नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीख रहे हैं एक मोडाल। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह दिन प्रतिदिन आप यूज़ करते हो और इससे आपकी इंग्लिश का फ्लो भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम सीख रहे हैं कैन, और कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। कैन का यूज होता कहाँ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, कैन बहुत ही आसान है और कैन का यूज क्षमता के लिए हम करते हैं। जब भी हमें कोई क्षमता हमारी दिखानी हो, जो काम हम कर सकते हैं मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड एबिलिटी के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले कैन की पहचान क्या होगी, किस सिचुएशन में होगा, जो भी काम मैं कर सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हो, सकता है या फिर सकती है। कैन का प्रयोग हम करते हैं क्षमता दिखाने के लिए, जो भी हमारी क्षमता है। जैसे मैं तेज दौड़ सकता हूँ, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, वे क्रिकेट खेल सकते हैं, वह तुम्हें पीट सकता है, तुम कार चला सकते हो, वह हमें पढ़ा सकता है, वह तुम्हें मार सकता है। जो जहाँ पे भी हम बात करते हैं शारीरिक मानसिक क्षमता की, किसी भी टाइप की एबिलिटी की, तब उस सिचुएशन में हम कैन का प्रयोग करते हैं। और कैन के साथ हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैन है क्या, एक मोडाल। ओके, कैन एक मोडाल है। अब देखिए, वह तेज दौड़ सकता है, वह तेज दौड़ सकता है, सकता है, कोई काम कर सकता है। तो हमें कैन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ही कैन रन फास्ट, ही कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं, मैं तेज दौड़ सकता हूं, मैं, आई कैन रन फास्ट, आई कैन रन फास्ट, तुम तेज दौड़ सकते हो, तुम तेज दौड़ सकते हो। तुम के लिए हम यूज करेंगे यू, यू कैन रन फास्ट, वे तेज दौड़ सकते हैं, दे कैन रन फास्ट, वह इंग्लिश बोल सकती है, वह इंग्लिश बोल सकती है, वह इंग्लिश बोल सकती है, शी कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू, तुम मेरी मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प मी, वे हमारी मदद कर सकते हैं, दे कैन हेल्प अस, दे कैन हेल्प अस, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच यू इंग्लिश, आई कैन टीच यू इंग्लिश। एक बार फिर आप कैन के बारे में सुनिए। कैन का प्रयोग हम जो काम कर सकते हैं उसके लिए करते हैं, क्षमता दिखाने के लिए, जो भी काम मैं कर सकता हूँ, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ, तुम कार चला सकते हो, वे कार चला सकते हैं, हम इंग्लिश बोल सकते हैं, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, ऐसी सिचुएशन में हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ, आई कैन शूट द वीडियो, तुम मुझे बता सकते हो, यू कैन टेल मी, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, आई कैन टेल यू, मैं पूछ सकता हूँ, आई कैन आस्क, तुम पूछ सकते हो, यू कैन आस्क, वे पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैन का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और सीखते हैं। देखिए, बोर्ड पे मैंने 6 सेंटेंसेस लिखे हैं, अब आपको उनकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करनी है। वह नाच सकता है, वह पतंग उड़ा सकता है, तुम सोच सकते हो, तुम सीख सकते हो, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं,
हम नहीं आ सकते हैं। कोशिश कीजिए इनके इंग्लिश बनाने की। अब देखिए वह के लिए हम यूज करेंगे ही यू यू चिल्ड्रन और वी। अब कोशिश कीजिए। अब देखिए वह नाच सकता है ही कैन डांस ही कैन डांस। अगर आपके सामने सेंटेंस आए क्या वह नाच सकता है, क्या वह नाच सकता है, जब क्या वाक्य के शुरू में आ जाए, जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए तो हम वाक्य की शुरुआत कैन से करेंगे। कैन ही डांस, कैन ही डांस, वह पतंग उड़ा सकता है। ही कैन फ्लाई ए काइट, ही कैन फ्लाई ए काइट। अगर इस सेंटेंस को ऐसे पूछा जाए क्या वह पतंग उड़ा सकता है तो क्या बोलोगे आप? कैन ही फ्लाई अ काइट, कैन ही फ्लाई ए काइट। क्या तुम मुझे बता सकते हो? कैन यू टेल मी, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ, कैन आई आस्क, क्या तुम पूछ सकते हो, कैन यू आस्क, यस आई कैन आस्क, क्या मैं बता सकता हूँ, कैन आई टेल, क्या तुम तेज दौड़ सकते हो, कैन यू रन फास्ट, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो, कैन यू टॉक टू मी। तो कैन का यूज हम एबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन जनरली इसको आम भाषा में बहुत सी सिचुएशंस में यूज कर दिया जाता है। तो कैन का प्रयोग बहुत आसान है, जितनी ज़्यादा आपकी कैन की प्रैक्टिस डे टू डे करोगे तो ये आपकी टंग पे चढ़ जाएगा। उस अगर आपको किसी चीज़ को बोलने की आदत डालनी है उसके लिए आपको धीरे धीरे इसको बोलना शुरू करना होगा। अभी कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल थे जो हमने देखे हैं, तो कोशिश कीजिए आप 10 सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में लिखोगे। देखिए अगर आप कोई चीज़ रियली में मास्टर करना चाहते हो, उस पर अच्छा बनना चाहते हो, उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आपको उतनी ज़्यादा करनी है, तो 10 सेंटेंसेस कैन के आपको लिख के कमेंट बॉक्स में डालना है। कमेंट में लिख दीजिए 10 सेंटेंसेस कैन से, आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन टीच यू, आई कैन हेल्प यू, शी कैन कम, शी कैन गो, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व दिस सम, आई कैन आंसर योर क्वेश्चन, यू कैन आंसर माई क्वेश्चन, कैन यू आंसर माई क्वेश्चन, कैन यू लिसन टू मी, कैन यू टॉक टू मी, कैन यू हेल्प मी, कैन यू गो विद मी, कैन वी गो टू मार्केट, कैन वी टॉक, कैन वी ऑपरेट द कंप्यूटर, कैन वी सॉल्व दिस सम टुगेदर। इस तरीके के सेंटेंसेज जो कैन से बनते हैं आप जरूर बनाइए। देखिए एक बात ध्यान से सुनिए, जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए, जब भी इंग्लिश में क्या शब्द, 90% टाइम की मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ आपको, जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए तो वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। कैन हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है और मॉडल भी है। सेंटेंस का जो मेन फिगर है हमारे यहाँ पे वो कैन है, क्योंकि हम मॉडल सीख रहे हैं और इसकी पहचान है सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हो, सकता है, जो भी काम हम कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, आई कैन लिसन टू यू, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, कैन यू लिसन टू मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, कैन यू टेल मी। ये कैन का यूज आज हमने सीखा है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आपको आया है तो कमेंट बॉक्स में आपको 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाए। हमने जो मुहिम शुरू की है कि हम हर स्टूडेंट को इंग्लिश सिखाएं घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका पार्ट बने। इस लॉकडाउन पीरियड को आप वेस्ट ना करें, क्योंकि कहा जा रहा है कि जुलाई के एंड तक स्कूल नहीं खुलने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियोस अपने बच्चों को दिखाएंगे जिससे वो सीख जाएं इंग्लिश इस लॉकडाउन पीरियड में, और हम बिल्कुल ही आसानी से शुरुआत करें। जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और जब तक हमारा कोर्स ख़त्म होगा आप एक अच्छे इंग्लिश कम्युनिकेटर बन जाओगे। हाँ, शर्त यह है कि आपको प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। तो हमने आज अपनी इस वीडियो में कैन सीखा है। कैन के अगले फंक्शंस हम अगली वीडियोज में सीखेंगे। अभी तक धीरे धीरे हम इसकी शुरुआत करें ताकि आपको इसकी आदत हो जाए। पिछले वीडियोज में हमने विल का प्रयोग सीखा था और कुछ डे टू डे सेंटेंसेस सीखे थे, तो आज इसमें हमने सीखा है कैन का प्रयोग। तो आप कैन का प्रयोग
अच्छे से मैं उम्मीद कर सकता हूँ कर सकते हो. यू कैन यूज दिस मॉडल इजीली. यू कैन स्पीक इंग्लिश इजीली. आई कैन स्पीक इंग्लिश इजीली. शी कैन स्पीक इंग्लिश इजीली. कैन शी स्पीक इंग्लिश इजीली. कैन शी नॉट स्पीक इंग्लिश इजीली. तो इस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस बनाइए ताकि आपकी इस एक जो मॉडल हमने सीखा इस पर कमांड हो जाए. तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ. अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. जय हिंद.